ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, ये कौन से स्विच की बात कर रहा है पहले समझ लो, ये उस रिमोट की स्विच की बात कर रहा है जो आप टीवी का यूज करते हो और रेड कलर का बटन है, उस लाल रंग के बटन को दबाते हो टीवी ऑन हो जाता है, उसी को दबाते हो टीवी ऑफ हो जाता है। ये कैसा बटन है? बटन तो नॉर्मली ऐसे होते हैं, या तो दबा रह जाए तो ऑन है, अगर ऊपर आ जाए तो ऑफ है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये एक ऐसा बटन है जो वही काम कर रहा है ऑन का और वही काम कर रहा है ऑफ का। कैसे पता लगता है कि ऑन करना है कि ऑफ करना है? ठीक है, तो ये वो स्विच है, इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। तो इसको करने के लिए हम एक सिलिकॉन का बना हुआ ट्रांजिस्टर लेते हैं, इनपुट आउटपुट बहुत बड़ा सर्किट है, नहीं करना हमने इसमें, बस एक चीज़ हमने सीखनी है इस डायग्राम से, वो ये कि जब मैं इसमें बोलूँगा कि इनपुट वोल्टेज कितनी थी, इनपुट वोल्टेज हमने कितनी थी, तो आपने बोलना है VBB, ये जो भी बैटरी की वोल्टेज है, बैटरी की वोल्टेज प्लस IB इंटू RB, इसमें ऐड कर देना है। और जब मैं कहूँगा कि आउटपुट वोल्टेज कितनी है, आउटपुट वोल्टेज कितनी है, तो आप बोलेंगे VCC, जो भी बैटरी की वोल्टेज है, माइनस IC इंटू RC। अब सोचने वाली बात यह है कि जब हम इनपुट ले रहे हैं तो बैटरी की वोल्टेज में I इंटू R ऐड कर रहे हैं, और जब हम आउटपुट ले रहे हैं तो बैटरी की वोल्टेज में I इंटू R सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखो, इमेजिन करो आपके पास एक बल्ब है, वो बल्ब कहता है कि देखो मेरे को चलाने के लिए 200 वोल्ट चाहिए। अब वहाँ 200 वोल्ट देने के लिए मैं वायर लगाऊंगा, वायर कहती है मैं पहले बता दूंगा 20 वोल्ट तो मैं ही खा जाऊंगी, तो 20 वोल्ट वो खा जाएगी, 200 वोल्ट उसको चाहिए, तो मैं कितने दूं? 20 + 200 220। तो मैंने आई इंटू आर क्या किया, इनपुट में ऐड किया, 200 + IR इनपुट में मुझे ऐड करना पड़ा, ठीक हो गया। अब आउटपुट की बात करो, अब मान लो एक मशीन है जो आउटपुट देती है 200 वोल्ट, अब वो आउट 200 वोल्ट मेरे घर तक आना है, घर तक आने में वायर लगी हुई है, तो वायर में आई इंटू आर 200 वोल्ट 20 वोल्ट वो खराब कर देगी। अब मेरे घर तक क्या पहुंचेगा? 200 में से 20 माइनस करना पड़ेगा 180 वोल्ट, तो आउटपुट में आई इंटू आर सब्ट्रैक्ट होगा, इनपुट में आई इंटू आर ऐड होगा। बस ये पॉइंट समझ में आता है यहाँ तक? यही किया इसमें, इनपुट में ऐड किया और आउटपुट में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये सिलिकॉन का बना हुआ एक ट्रांजिस्टर का ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है। सिलिकॉन की इनपुट वोल्टेज अगर 0.6 वोल्ट से कम है, 0.6 वोल्ट से कम है, तो ये स्टार्ट भी नहीं होता, ये अपने सारे करंट जीरो करके रखता है, ये स्टार्ट ही नहीं होगा, कट ऑफ रीजन क्रॉस नहीं करता। तो अगर आपकी वोल्टेज 0.6 वोल्ट से कम है तो इनपुट वोल्टेज क्या रहती है? जीरो। आउटपुट करंट क्या हो जाता है? जीरो। तो आपकी आउटपुट वोल्टेज किसके इक्वल हो जाती है? VCC, बैटरी की वोल्टेज के इक्वल रहती है, ठीक। लेकिन जब आपकी वोल्टेज ग्रेटर देन 0.6 वोल्ट हो जाती है इनपुट, तो ट्रांजिस्टर करंट को भेजना शुरू करता है, और जैसे ही ट्रांजिस्टर करंट को भेजना शुरू करेगा तो क्या होगा, जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या थी? VCC माइनस IC इंटू RC। उसी टाइम ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा करंट, ये तो कॉन्स्टेंट है, तो जब ये करंट बढ़ेगा तो आउटपुट गिरनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जब 0.6 वोल्ट से कम वोल्टेज है तो करंट जीरो है, यहां देख लो, ये देखो, जब 0.6 वोल्ट से कम वोल्टेज है तो इनपुट जीरो है, ये करंट जीरो है, तो ये इसके इक्वल है, डन। जब आपकी वोल्टेज 0.6 से ज्यादा है तो ये भी ऑन हो गया, ये भी ऑन हो गया, ये भी ऑन हो गया, ये बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो ये कम होना स्टार्ट हो गया। तो इसको अगर ग्राफिकली प्लॉट करें तो ये देखो, अगर वोल्टेज इनपुट 0.6 से कम है तो आपकी आउटपुट वोल्टेज VCC के इक्वल ही है, लेकिन जैसे ही 0.6 टपेगी करंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी आउटपुट गिरनी स्टार्ट हो जाएगी और फिर बिल्कुल ही नीचे गिर जाएगी। तो जब वो बिल्कुल नीचे गिर गई तो यानी कि करंट दौड़ रहा है सर्किट में, इसका मतलब आपका स्विच ऑन है, और जब वो कॉन्स्टेंट थी इसका मतलब वो स्टार्ट ही नहीं हुआ था, तो आपका स्विच किस स्टेट में था? ऑफ स्टेट में था। तो ये ऑफ स्टेट है, कट ऑफ रीजन है, ये सैचुरेशन रीजन है, ऑन स्टेट है, और ऑफ से ऑन जाने में रीजन को एक्टिव रीजन बोलते हैं। अब तो खैर ये नहीं आता, बट जो न्यूमेरिकल वैल्यूज या इक्वेशन मैंने सिखानी थी वो मैंने सिखा दी।